हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। मैं हूँ रावण और मैं आ गया हूँ माइनपोर 2 में। यहाँ पीछे आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे है चंपू, FFG का घर है। मैं चंपू ड्यूट क्यों बोल रहा था पता नहीं। और तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास आयरन का आर्मर है लेकिन लेगिंग्स नहीं है मेरे पास। थोड़े बहुत यहाँ पे चीज़ें हैं एंड माइनपोर 2 में आ गया हूँ मैं फिर से। और मेरे आगे मतलब मेरे फेस के आगे इन गेम के बारे में बात कर रहा हूँ कुछ चीज़ है दोस्तों। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, बूम गाइस, तो मैंने अपना घर बना लिया है दोस्तों माइनक्राफ्ट माइनपोर 2 में। और यहाँ पे ये लीव्स मैंने नहीं रखा है लेकिन किसने रखा है मेरे को पता भी नहीं है। मेरे को लगता है FFG होगा, तो FFG या फिर तने या फिर गब्बर लगता है मेरे को, पता नहीं कौन हो सकता है। तने लग रहा है मेरे को। अगर तने ने किया है तो थैंक यू, जो जिस किसी ने भी किया है थैंक यू। तो या ये एक छोटा सा घर है सर्वाइवल और बढ़िया दिखता है। तो हाँ, और माइनपोर 2 में प्रोबेबली मैं ही हूँ जिसने पहले वीडियो के बाद ही एक्चुअल एक घर टाइप घर बना लिया हो। तो एंट्रेंस है यहाँ पे, यहाँ देख सकते हो यहाँ कुछ नहीं है, ये है फर्स्ट फ्लोर। और यहाँ पे ट्रैप डोर्स रखे हैं मैंने, क्योंकि जब ऊपर आ जाऊँ मैं और इसको क्लोज कर दूंगा तो मैं आसानी से ऐसे ऐसे चल सकता हूँ बिना नीचे गिरे। और यहाँ पे है मेरा एक बालकनी एरिया, यहाँ पे मेरे को फेंस गेट्स वो सब लगाना है। और हाँ, मेरे को ये विंडोज भी कंप्लीट करना है, ग्लासेस लगाना है। ओ यहाँ पे किसने डर्ट ब्लॉक भी लगा के मेरा, ओ माय गॉड, प्रोबेबली ये तने ही लगता है मेरे को। यहाँ पे डर्ट ग्रास भी लगाया है एंड हाँ, ये मेरा ऊपर का फ्लोर है। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था मेरे को ये घर बनाने के लिए, शायद मेरे को प्रोबेबली लगा था 30-40 मिनट्स कुछ लगा था। बस मेरे को वुड के लिए ही टाइम लग गया था और वो था सेकेंड फ्लोर और ये है ग्राउंड फ्लोर दोस्तों। यहाँ पे मेरे को वुड प्लैंक से यहाँ पे भरना है। और ये है मेरा चेस्ट जिसमें अभी के लिए तो कुछ नहीं है, बरी ट्रेजर है। आज जाएंगे बरी ट्रेजर मैप को ईट करने के लिए। मैं पहले इसको कार्टोग्राफी टेबल में लगा के मैप को और थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ जिससे कि मेरे को अच्छे से समझ में आए कि मैं क्या करूं। और यहाँ पे मेरे को लगता है तने ने या फिर जिस किसी भी माइनपोर निवासी ने किया है, मेरे को तने ही लगता है क्योंकि तने ही है जो ऐसे हेल्प करता रहता है। तो अगर किसी और ने किया है तो ऑफेंड मत होना, मतलब ऑफेंड तो नहीं होंगे माइनपोर निवासी, मेरे को पता है कैसे बहुत ही अच्छे लोग हैं। सो या थैंक यू वेरी मच जो कि मेरे घर को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हेल्प करने के लिए। और अगर आप लोग इस तरफ आओगे तो हाँ, मैंने माइन को आप लोग को दिखाया है, माइन भी करना है मेरे को, माइन नहीं किया मैंने, कल मैंने वहीं पे छोड़ दिया था। और यहाँ पे देखोगे तो बूम गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने वीट फार्म और कैरेट फार्म बनाया है। सिर्फ वीट और कैरेट का ही बनाया है मैंने, बीट रूट से कैसे भी अपन को हेल्थ नहीं मिलता और पोटैटोस मिलना थोड़ा, जब तक विलेजर्स वो सब नहीं मिलेंगे तब तक तो नहीं होगा। और विलेज यहाँ पे अगर बाजू में है तो प्रोबेबली माइनपुर निवासियों ने ऑलरेडी उनको लूट कर लिया होगा एज यूजुअल। तो हाँ, जो मेरे पास है आइटम्स उससे मैंने बना लिया है। ओके, तो अभी मैं ये कैरेट्स को तोड़ रहा हूँ क्योंकि इसके बाद फिर से इनको प्लांट कर लूँगा मैं। मेरे पास है ब्रेड, ऐसे पड़ा हुआ है ब्रेड एंड या लेट्स गेट प्लांटिंग गाइस। सो ऑलराइट दोस्तों, तो मेरे पास ऑलमोस्ट एक स्टैक ऑफ कैरेट और बची है। सो या बहुत सारा खाना मेरे लिए यहाँ पे रेडी रहेगा जब भी मेरे को भूख लगेगा दोस्तों। तो हाँ, तो आज
मैं देखना चाहता हूँ कि कार्टोग्राफी टेबल कैसे बनता है। अगर मैं यहाँ पे सर्च में मारूंगा तो आएगा क्या कार्टोग्राफी? ओके, नहीं आ रहा है। आई हैव टू सी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मायनपुर निवासियों के साथ क्यों नहीं खेल रहा हूँ। खेलूंगा क्योंकि अभी अभी आया हूँ और उन लोग ने ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया है, बहुत 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 ज़्यादा कुछ कर लिया है उन लोगों ने। तो पहले मेरे को कैचअप करना है, उसके बाद उन लोगों से खेलना है। सो या मेरे को अभी बरी ट्रेजर का करना है, लेकिन मेरे पास कार्टोग्राफी टेबल नहीं है, तो मैं उसका रेसिपी भी नहीं है मेरे पास। हाँ, बिल दैट्स काइंड ऑफ बैड, बैड बैड तो नहीं है, लेकिन हाँ हाँ दोस्तों हाँ। वैसे मैंने और FFG ने भी ये सोचा है कि दोनों का मिला के एक ही यहाँ पे नेदर पोर्टल बना लेंगे हम लोग, ताकि यू नो ये ना हो कि FFG ने अपने घर के पास बनाया है। और ओ माय गॉड, FFG भाई साहब, आप लोगों ने कितने सारे काउस यहाँ पे इकट्ठा करके रखा है। और तो ऐसा ना हो कि हाँ कि उन्होंने एक पोर्टल बना लिया और मैंने भी एक पोर्टल बना लिया और पता चला कि दोनों ही ठीक से काम नहीं कर रहे, एक ही जगह से आ रहे और कोई एक एक जगह से बाहर निकल रहा, कोई दूसरे जगह से बाहर निकल रहा है। FFG मेरे घर पे बाहर निकला और मैं उनके घर पे निकला, ऐसा ना हो जाए। और हाँ, तो रात हो रहा है, मैं भूल ही गया, रात होने से जॉम्बिस वॉम्बिस स्पॉन होते। मैं इतना सारा पिक्सल मॉन वो सब खेल रहा हूँ और रेजिडेंट इविल खेल रहा हूँ कि रेजिडेंट इविल मतलब ही जॉम्बिस है। तो या तो अभी इस वक्त एकन और चंपू ड्यूड है ऑनलाइन, ऊपर देख सकते हो आप लोग। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मेरे को भी पता नहीं है, तो मैं एक एडवेंचर पे निकलता हूँ उस तरफ, लेट अस सी क्या मिलता है। तो इससे पहले मैं निकलूँ, मैं यहाँ पे जो भी वीट है उनको तोड़ लेता हूँ। मेरे को पता है इसमें अभी भी अच्छे से नहीं बने हुए वीट भी है, बट आई नीड दिस वीट फॉर काउस। काउस को पकड़ना है मेरे को, चिंता मत करो, फिर से मैं प्लान कर लूंगा इन लोग सबको, इन लोग ये सारे वीट को। तो या आई विल मीट यू गाइस इन अ मोमेंट जब मेरा वीट वीट सब कुछ ईट हो चुका होगा। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने सारे वीट को मैंने प्लांट कर लिया, इसमें से थोड़ी बहुत वीट ऑलरेडी ग्रो भी हो रहा है। तो या तो मैं निकलता हूँ एडवेंचर पे। जैसे कि देख सकते हो मेरे पास ब्रेड है 31 और कैरेट है 63, मैंने एक खा लिया। और वीट्स बहुत सारे हैं, वीट्स चाहिए तो मैं फेंक सकता हूँ या फिर अपने चेस्ट में लगा के आ जाता हूँ। उस तरफ जाऊँगा मैं, सवाना दिख रहा है वहाँ पे, होपफुली यहाँ पे विलेज हो और इन लोगों ने लूट ना किया हो। इट्स ओके अगर बिल्डर्स हट खाली ना हो या फिर कुछ भी हो। बस मेरे को एक कार्टोग्राफी टेबल चाहिए जो कि आई होप कि इन लोगों ने लूट ना किया हो। और यहाँ पे मैं माइनिंग सोच रहा था जाने के लिए, उसके वजह से मेरे यहाँ पे इतने सारे माइनिंग के सामान के लिए सारे डबल डबल चीज़ें लगा के रखा है मैंने। ब्लॉक्स भी लेके जाऊँगा। अरे लेट अस गो। और हाँ, बेड यहीं पे छोड़ के जाता हूँ एंड लेट्स गो ऑन एन एडवेंचर गाय। जब मेरे को कुछ मिलेगा प्रॉब्ली मैं ये सब कुछ कट नहीं करूंगा, प्रॉब्ली मैं सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दूंगा आप लोग को दोस्तों। सो बेयर विथ मी एंड वी स्टार्ट इन 3 2 1 गो।何?
ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं विलेज पे आ गया हूँ और होपफुली इन लोगों ने लूट किया तो किया, लेकिन होपफुली मेरे लिए थोड़ा बहुत कार्टोग्राफिक टेबल्स वो सब थोड़ा होगा। यहाँ पे थोड़े बहुत बुक्स है जो कि मेरे को एन्चेंटमेंट के लिए यूज आएंगे, तो आई विल गेट दिस बुक्स। आई होप द विलेजर्स डोंट माइंड मी। वेट, माय पिकैक्स ब्रोक। ओह माय गॉड, कम ऑन भाई साहब, ये मोमेंट में पिकेक्स ब्रेक होना। और रात भी हो रहा है एंड करेक्ट टाइम में मेरे को मिला है ये विलेज, क्योंकि रात हो रहा है इसका मतलब है आई कैन स्लीप इन दिस विलेज। या डेफिनेटली यहाँ पे कोई आया था कि मेरे को जो चाहिए वो ले लेता हूँ। ओके, तो मैं अकेशिया ब्रीड भी ले लेता हूँ, कब क्या काम आ जाए किसको पता। एंड या लेट मी स्लीप, और ये मैं सो रहा हूँ दोस्तों। एंड न्यू डे न्यू, आई डोंट वांट टू ट्रेड। ओ वीट, ईट मिला है, ईट मिला है। प्रॉब्लम मैं ये कैक्टस को भी ले लेता हूँ, बाद में कलरिंग के इसमें काम आ जाएगा। आई टेक दिस टू इफ यू डोंट माइंड। ऑलराइट, जो भी मेरे को मिलेगा बाद में मैं यूज कर लूंगा उसको। एंड ये मेरा टॉर्च है, मेरे को मेरा टॉर्च चाहिए। आई लुक आफ्टर माई टॉर्चेस वेरी केयरफुली, बिकॉज बाद में मेरे को माइनिंग जाना और वहाँ पे मरना नहीं है। वो मुंह दर्द नहीं करता है क्या? हाँ, करते रहते रोज। और यहाँ पे बीट रूट है, बीट रूट तो नहीं चाहिए क्योंकि बीट रूट खाने से आधा हार्ट बढ़ता है, क्योंकि तो किसी के काम नहीं आने वाला। कार्टोग्राफी टेबल है भी कि नहीं बताने भाई। अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, कुछ बड़ा है विलेज। विलेज बड़ा है, यहाँ पे और भी बिल्डिंग्स है, या फिर मैंने ये ऑलरेडी सर्च कर लिया, या मैंने ऑलरेडी सर्च कर लिया है। विलेज कुछ बड़ा नहीं है, मैं सिर्फ घूम रहा था उधर इधर, लेकिन है बड़ा तो है वहाँ पे, और भी मेरे को देखना है क्या है वहाँ पे। एक ना अभी भी ऑनलाइन है, अभी भी ऑनलाइन है। देखो 5,000 मिनट खेल चुका है ये बंदा ऑलरेडी ये गेम में। अबे अच्छा, मेरे से खेलेगा तू? मैं तेरा डोरी निकाल देता रे, मैं तेरा डोरी निकाल देता। हाँ अच्छा, गेम खेल रहा है मेरे से। प्रॉबेबली एएफके फिशिंग फिशिंग कर रहा होगा। मेरे को एक एएफके फिशिंग फार्म भी बनाना है दोस्तों, लेकिन 1.14 का मेरे को अभी तक आइडिया नहीं है कि कैसे बनाते हैं। ओ यहाँ पे ये शिप, ओके यहाँ पे एक और शिप मिल रहा है, एक दिख रहा है, मिल रहा है आई मीन दिख रहा है। लेट अस चेक इट आउट। कैरेट खाने से 2 मिल रहे हैं ऑलमोस्ट, सो लेट अस ईट ईट देम। ऑलराइट, तो ये वाला भी लूटेड होगा करके मेरे को लग रहा है। अच्छा होता अगर मेरा कार्टोग्राफी का जो रेसिपी है अनलॉक हो जाता तो बात बन जाता भाई। ओके, दिस इज ऑलरेडी लूटेड और एक ही चेस्ट रहेगा क्योंकि छोटा सा शिप है। अब
और थोड़ा एक्सप्लोरिंग करता है खुद दोस्तों। तो अभी तक तो आप लोग को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दिया, आपसे मैं जो भी एक्सप्लोरिंग करूँगा आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। एंड या आई विल मीट यू गाइस, अगर मेरे को कुछ मिला तो आई विल मीट यू गाइस इन अ मोमेंट। ऑलराइट दोस्तों, वहाँ पे मेरे को कुछ ज़्यादा कुछ मिला नहीं था एंड तो मैं अपने घर के पास वापस जा रहा हूँ अभी इसी वक्त। तो यहाँ पे दूर में देख सकते हो मेरा घर है वहाँ पे, लेट्स स्विम ओवर देयर। ऑलराइट तो मैं सो रहा हूँ यहाँ पे। एंड बाय द वे गाइस, माइनपुर सीजन 2 का जो सीड है यहाँ के प्लेयर्स को ही नहीं दिया गया है, तो सीड के लिए पूछना बंद करो दोस्तों, क्योंकि सीड तो मेरे पास खुद नहीं है। एंड लेट मी चेक कि कहने ना, देखा मैं देख भी नहीं सकता हूँ। और सीट मैंने पूछ के देखा था स्टार्टिंग में जब ज्वाइन हो रहा था, तो बोल दिया सीधा सीधा नहीं करके सो जाए। नहीं तो नहीं भाई, नहीं तो नहीं। ओके, तो यहाँ ये आइलैंड पे मेरे को लगता है एफएफजी ने सारे के सारे काउस ऑलरेडी ले चुके हैं ये आइलैंड पे जो भी है। सो एफएफजी से पूछ के दो काउस उनसे ले लूंगा, या फिर देखते ही जो होगा सो होगा। ओ, इनके लामास तो छूट गए शायद, ईड है ही नहीं। ओके आई गेस। ओह तो ये है इनका फार्म, ये फार्म एरिया मैंने देखा नहीं था कल। ओ हाँ, एफ एफ जी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा देख सकता हूँ। आई सी सम ग्रास, आई मीन लीव्स ओवर हियर। तो मेरे को लगता है मेरे घर के पास भी एफ एफ जी आके उन्होंने ही सारे ग्रास लीव्स वो सब लगाया होगा करके लगता है। और यहाँ पे इन लोग इन्होंने अपने लैंड जो है उसको अच्छी तरह से लाइट अप भी करके रखा है, इज अ गुड थिंग, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड या तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे पास या शुगर केन है, तो पहले शुगर केन का भी एक फार्म बना लेता हूँ। और उसके बाद आई गेस आई हैव टू चेक आउट यूट्यूब, और मेरे को एक एफ के फार्म बनाना पड़ेगा। और एफ के फार्म तो बना लूँगा मैं, लेकिन उसके लिए अच्छा फिशिंग रॉड भी तो चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में तो नॉर्मल वाला यूज़ कर लेते हैं आई गेस, बट अगर अच्छा वाला होता तो शायद क्या रहता। आई डोंट नो व्हाट आई एम स्पीकिंग। तो मैं अपना शुगर केन कहाँ पे रखूँगे, प्रोबेबली यहाँ पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं ये कॉर्नर पूरा मैं अपना शुगर केन लगाऊंगा, विच इज नॉट ए बैड थिंग टू डू। ओ यहाँ पे काऊ है यार, काऊ 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 काऊ, और एक मिल जाए तो बात बन जाए, ब्रीड बना लेंगे के गपा गप कर लेंगे। तो यार शुगर केन मैंने लगा दिया है, टाइम फॉर ओपनिंग सम ट्यूटोरियल्स। और देखना है कि मेरे को 1.14 का फिशिंग फार्म बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है। ओ बाय द वे, इससे पहले मैं कुछ ऐड कर रही हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मैं ये फिशिंग फार्म को बनाऊंगा अभी तो बनाऊंगा कहाँ। कुछ एनक्लोज्ड में ही चाहिए मेरे को फिशिंग फार्म अपना, घर के अंदर बना सकता हूँ। एक काम करता हूँ, लेट मी टेक दिस।
तरफ जाता हूँ। इस तरफ जाऊंगा मैं, उसके बाद वहां पे नीचे एक रूम बना लूंगा, वहां पे एस्केप फिशिंग फार्म बना लेंगे दोस्तों। ये तो मैं आप लोगों से मिलूंगा अभी ही, जब मैं फिशिंग फार्म का ये जो ब्लूप्रिंट जो भी बोलते हो आप लोग वो देखने के बाद। पीस, आई मीन पीस नहीं, गिव मी अ मोमेंट। तो ऑलराइट, मैंने देख लिया है कि क्या क्या चीजें चाहिए। बहुत सारा आयरन चाहिए वो तो पता है, मतलब ट्रैप डोर। ओके, तो एक प्रेशर चाहिए, प्रेशर प्लेट चाहिए, और हॉपर चाहिए, एंड वुड वुड आई मीन मोर चेस्ट चाहिए, तो आई मीन लॉन्ग चेस्ट होने से अच्छी बात है। उसके बाद रेड स्टोन चाहिए, तो लेट्स गो ऑन एन माइनिंग ट्रिप गाइस। चलिए चल के देखते हैं, थोड़ा बहुत रेड स्टोन चाहिए। ओ वेट, मेरे को जो आयरन मिला उससे मेरे को पिकैक्स बना लेना था। ओ ऊ आई हैव इनफ आयरन फॉर पिकैक्स गाइस, नाइस। तो अभी चलते हैं माइनिंग करने, थोड़े बहुत रेड स्टोन और हो सके तो आयरन भी लेके आ लेंगे। आई मीन आयरन तो है, कोल चाहिए मेरे को बहुत सारा। तो लेट अस सी, एक चीज और है कि ये रहा कोल, तो ये है हार्ड मोड, हार्ड कोर नहीं है, हार्ड मोड है, तो उसके वजह से इसमें जॉम्बीज जो है कुछ ज्यादा ही पावरफुल आ जाते रहते हैं। एंड मैं ऑलरेडी यहाँ पे, कल आज तो मरा नहीं हूँ, कल मैं ऑलरेडी 7 बार मर चुका हूँ, या 7 बार मर चुका हूँ, दैट इज द प्रोनेस गाइस। कोई इतने बार भी मर सकता है? अरे उसमें भी प्रो होना चाहिए, तभी तो कुछ भी काम करेगा, वरना तेरा टाइम आएगा आएगा करके ही गाना गाता रहेगा तू। हाँ, गिव मी दैट कोल, गिव मी दैट कोल, एंड गॉट दैट कोल। कितना कोल है? 21। मोर कोल, पता था मेरे को यहाँ पे लावा रहेगा करके। लेट मी टेक सम रेड स्टोन, इट व्हाट, आ मैन आ मैन, वहां पे रेड स्टोन था। ओ 13 रेड स्टोन मिल गया, नाइस, वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पे प्रॉबेबली कुछ ज़ॉम्बी स्पॉन हुआ होगा करके ही लग रहा है मेरे को। नो 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 नो, मैं भूल गया था कि वहां ऊपर भी एक जगह है। तो ऑलराइट, मेरे को इनफ रेड स्टोन मिल गया है, कोल मिल गया है, तो अभी मेरे को जरूरत है वुड की, तो यहाँ पे मैंने प्ले पेड़ वो सब प्लांट करके रखा है, तो लेट्स गेट देम बॉयस। और तो कोल मिल गया, आयरन जला लेते हैं, जली को राख बोलते हैं, रिबुजी को खपा खप बोलते हैं, और बाकी को क्या बोलते हैं? शहनशाह बोलते हैं। देखा क्या मस्त बोला ना मैंने। बोले तो यहाँ पे मैंने एफ के फिशिंग फार्म छोटा सा रूम बनाया सिर्फ फिशिंग फार्म के लिए। एंड या लेट्स गेट इन द प्रिपरेशंस गाइस, तो पहले यहाँ पे कोड लगा देता हूँ। और तो उसके बाद मेरे को यहाँ पे नोट ब्लॉक बनाना है, नोट ब्लॉक बन गया रे वाह। उसके बाद जाना बनाना है, दो चेस्ट बनाना है मेरे को। वेल आई डोंट हैव इनफ वुड, तो वेट, डू आई हैव इनफ वुड? नो, मैंने वुड को पूरा प्लैंक्स में बदल लिया, स्लैब्स में बदल लिया, मेरे को भी पता नहीं क्यों बनाया मैंने। ओ प्रॉब्ली घर के लिए, और मेरे को पता नहीं था कि कितना सारा वुड प्लैंक्स वो सब चाहिए होगा। घर तो मस्त बनाया दोस्तों, मेरे को तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई लाइक इट। मैं चेंज प्रॉब्ली चेंज तो नहीं करूँगा, और क्या चाहिए दोस्तों, तो 3 फ्लोर है, आई मीन हाँ 3 फ्लोर है।
एक और चेस्ट, नहीं हाँ दो और चेस्ट चाहिए, क्योंकि एक तो हॉपर के लिए भी चाहिए अपन को। और ये मेरा बाल यहाँ पे जो ऐसे करली करली आता है, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऑलराइट, इनफ कंप्लेनिंग एंड लेट्स फोकस ऑन द वर्क। ऑलराइट, तो जितना वुड अपन को मिला है उसमें तीन तो क्या चार भी बन लेंगे शायद। एंड तो लेट अस मेक टू मोर चेस्ट, ताकि एक हॉपर में रख सकूं, एक हॉपर के लिए आ जाएगा। ऑलराइट, मेक टू मोर चेस्ट। राइट नाउ आई नीड एन हॉपर। ये देखिए हॉपर बन गया रे बाबा। तो ट्रैप डोर बन रहा है, यप आयरन ट्रैप डोर। तो सारे चीजें मेरे को मिल गया है दोस्तों यहाँ पे। हॉपर है, चेस्ट है, ओक फिंस है, हेवी प्रेशर प्लेट है, आयरन ट्रैप डोर है, नोट ब्लॉक है। और क्या चाहिए? और चाहिए पानी। पानी को कैसे भूल सकते हो? अरे पानी पानी ब्लू है, पानी पानी आज ब्लू है, पानी 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 हर दिन भी सानी 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 सानी। ऑलराइट, सो लेट मी टेक वन बकेट ऑफ पानी। पानी दा रंग देख के। ऑलराइट, तो हाँ तो चलिए नीचे चलते हैं, या नीचे का फ्लोर भी बना लूंगा मैं, नॉट वरी। तो ये है एंट्रेंस एंड बूम गाइस। तो ये रहा, यही से मेरे को इतना सारा आयरन मिला था। तो प्रॉबली यहाँ पे मैं हॉपर रखूंगा और यहाँ पे जाएगा चेस्ट। वेट, ऐसे रखूं कि चेस्ट को मैं इस तरफ रखता हूं ताकि मेरे को उतरने में भी इजी रहे। अगर मैं ज्यादा चेस्ट लगाऊंगा तब मेरे को उतरने के लिए भी तो होना चाहिए, राइट। और ये गया हॉपर उसमें, और इसके ऊपर आएगा ये, इसके ऊपर ये, राइट। और यहाँ पे ये डिग करो, यहाँ पे नोट ब्लॉक लगाओ, उसके ऊपर ये लगा, ये लगाओ, उसके बाद यहाँ पे लगाना है कि ऊपर लगाना, आई गेस ऊपर लगाना था। यहाँ पे लगाओ, इसको निकाल दो, एंड यहाँ पे आएगा पानी, एंड ये बन गया फिशिंग फार्म दोस्तों। इतना सिंपल है। यहाँ पे ऊपर हाँ वाटर भी है, एंड देखता हूँ, यप इट्स वर्किंग गाइस। तो प्रॉबली यहाँ पे खड़े होके यहाँ से फिशिंग करना है अपन को। आई होप मैंने करेक्ट किया हो। मेरे को फिशिंग फिशिंग रॉड भी चाहिए। प्रॉबली मेरे को लगता है मैंने कुछ मिस्टेक किया होगा करके लग रहा है मेरे को। आई हैव टू चेक इट आउट, नहीं तो शायद इतना ही है। शायद पानी यहाँ पे है तो यहाँ पे डाल देने से। लेट मी गो आउट, इससे अच्छा यहाँ पे मैं सोचता बैठ जाऊँ, जाके थोड़े बहुत स्पाइडर्स को मारूंगा तब स्ट्रिंग्स मिलेंगे, एंड आई हैव टू सर्वाइव समहाउ। तो मैं पहले देखता हूँ स्पाइडर्स है भी कि नहीं, क्योंकि ऐसे ही चले जाऊंगा स्पाइडर्स भी ना मिले तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा हो जाएगा दोस्त। ओके, एक जॉम्बी ऑलरेडी चढ़ गया है ऊपर। प्रॉबली आई नो वाई, बिकॉज मैं एक डम्ब बंदा हूँ। यहाँ पे मैंने खुला छोड़ दिया यहाँ पे बिना कुछ गेट्स के। तो डू आई हैव ए गेट? एनीबडी? हेलो, हे हे, लेट अस मेक आवर सेल्फ एन गेट। नाउ हाउ डू आई मेक ए गेट? वुड है शायद, प्रॉबली स्टिक्स नहीं है मेरे पास।
इनफ। ये देखिए, एक फेंस गेट, फिर से स्टिक लो, एक और फेंस गेट एंड बड़े बूम बड़े बैम गाइस। तो यहाँ पे मैं फेंस गेट लगा रहे हैं, आ रहे हैं, आ गया हूँ मैं। तो यहाँ से मैं जंप तो कर लूंगा, लेकिन यहाँ अंदर आने का देर इज नो वे। दैट इज गुड, वी आर सिक्योर्ड फॉर नाउ। बाद में वहाँ पे एक अच्छा सा डोर वोर कुछ लगा लूंगा। एंड लेट मी चेक स्पाइडर्स। एनीवे मैं जब से यहाँ आया हूँ वहाँ तब से मैंने एक भी स्पाइडर नहीं देखा है। वेल इजन दैट क्रेजी। ओ माय गॉड, कितने सारे यहाँ पे क्रीपर स्पॉन हो रहे हैं। अरे यार, एक कनबस हो गया, मैं भी तो भूल गया ना बताना कि डू नॉट स्लीप। व्हाट अप क्रीपर्स, मत फट। पता नहीं, बहुत अच्छी बात है। एंड स्पाइडर्स, स्पाइडर्स भी तो रात। ओ, एक स्पाइडर दिख रहा है। ओ माय गॉड, क्रीपर, ओ मैन, क्रीपर, ओ मैन, क्रीपर, ओ मैन, आ, अभी लैग नहीं होने का, अभी लैग नहीं होने का। ओके, वहां पे मेरे को स्पाइडर दिख रहा है। आई नीड दैट स्पाइडर, आई नीड दैट स्ट्रिंग, आई नीड दैट। ने, दो स्ट्रिंग चाहिए, राइट, इफ आई रिमेम्बर। ओ क्रीपर सारे, क्रीपर वा नहीं चाहिए, स्पाइडर वा चाहिए, क्रीपर वा नहीं चाहिए, स्पाइडर वा चाहिए, स्पाइडर राइडर चाहिए, स्पाइडर बाबू चाहिए, स्पाइडर बाबू किधर है तू? ये कहीं तो नीचे आया था ये। अबे मार, अब भाई आ जा, पीछे आ जा, पीछा। वहां पे क्रीपर्स है। ओ स्ट्रिंग्स मिल गए। एंड बाय बाय आ मैन क्रीपर, बाय बाय आ मैन क्रीपर। ये डोर को बंद करना भूलना नहीं है। अरे ई बट एज ओ लूम, आई गेस दैट इज इनफ। या फिशिंग रॉड बन गया। अभी ये सारी सामान को अंदर रखते हैं, खाना को बाहर निकलते हैं। इन बड़े बिम बड़े बैम। ये फिशिंग फार्म बनाने के लिए बहुत 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 लगेगी। ऑलराइट, इट्स वर्किंग, इट इज वर्किंग, इट्स गॉड डैम वर्किंग, बैट गॉड डैम वर्किंग, ए गॉड डैम वर्किंग, ए ए ए ए ए, कुछ तो मिल जा, कुछ तो मिल जा, कुछ तो मिल जा, ए मिल जा। भाई जब हार्ड कोर है इसका मतलब चीजें स्पॉन भी अच्छे से। ओह लेदर मिला। ऑलराइट, तो इस तरह से मैं एएफके करूंगा। और ये नॉर्मल फिशिंग रॉड है, तो जब तक मेरे को कुछ अच्छा फिशिंग रॉड ना मिल जाए तब तक तो थोड़ा मुश्किल होगा। एंड या गाइस, तो आज का एपिसोड मैं यहीं पे रुकता हूँ। आज अपन ने बनाया एक के फिशिंग फार्म, थोड़ा बहुत एडवेंचर किया। आज मैं बेरिड ट्रेजर को देखने वाला था, लेकिन अपन को कार्टोग्राफी टेबल नहीं मिला है। आप लोग एक बात बताइए, बिना कार्टोग्राफी टेबल के भी देख सकते हैं, मेरे को पता है, लेकिन कार्टोग्राफी टेबल होने से ज़्यादा बड़ा मैप हो जाता है, जिससे कि आसानी होता है कि किस डायरेक्शन में जाए और कितना दूर है ये पता चलने के लिए। तो क्या मैं गलत किया कि बिना कार्टोग्राफी टेबल के लिए ढूंढ के बिना ट्रेजर को
डायरेक्टली ढूंढे, क्या मैंने गलत किया कुछ, लेट मी नो। एंड या गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में पक्का वो बड़ी ट्रेजर में ढूंढ लूंगा। एंड या गाइस, आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ माइंडपूर सीजन 2। एंड रिमेंबर, इफ यू आर नॉट स्माइलिंग यू आर डूइंग इट रॉन्ग। अगर नहीं है तो सब्सक्राइब करना भूलना मत, एंड डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप ए लाइक एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, 29 रुपीज से मेरा मेंबरशिप स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग को शाउट आउट चाहिए, आपका चैनल को शाउट आउट चाहिए, तो आप लोग मेंबर्स बनिए, मैं शाउट आउट ऑटोमेटिकली दे दूंगा। ऑलराइट, आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, पीस, रावण लॉगिंग आउट।